Hey guys, I hope you are doing well. I welcome you all in Solitary Virtual Classes. I'm Anuradha Choudhury and I did my master's from National Dairy Research Institute, Karnal, in Agriculture Extension Education. So in this lecture, we will be talk about our extension portion in syllabus like pre-BC exams, syllabus of pre-BC exams like BHU, Rajasthan State pre-BC exam. So if we will talk about our extension subjects, see, in every student has their command on agronomy, horticulture, soil science, these major subjects. Everyone has their commands on these subjects, but mostly students are neglecting our extension and economics and statistics like minor subjects. That's why like they won't be able to attempt these minor subjects questions. See, if we will talk about our syllabus, minimum 8 to 10 questions will be from our extension only. तो देखिए कि जैसे कि एक्सटेंशन में अगर हम बात कर रहे हैं अपने सिलेबस की, सिलेबस में तो क्या है कि बहुत कुछ दिया हुआ है सिलेबस एक्सटेंशन का. अगर हम प्री पीजी की बात करें तो उसमें बहुत कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, बट एज आई डिड अ स्कैनिंग ऑफ 8 to 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, देन आई केम टू नो दैट लाइक सिलेबस में तो बहुत कुछ है, बट उनमें से व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर आवर एग्जाम. अपने पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम इनको थ्योरी को लेके चले और पूरा चीज कवर करें. सिलेबस वाइज अगर हम चल रहे हैं तो इसमें बहुत टाइम लगेगा. तो इसलिए क्या है कि जैसे मैंने उस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं. पहले देखिए कि अपने सिलेबस में क्या क्या है. सबसे पहले हम बात करें अगर सिलेबस की तो हमारी एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक्सटेंशन क्या है, फिर बाद में एक्सटेंशन टीचिंग प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है, फिर प्रिंसिपल्स, उसके बाद में जितने भी स्कीम्स प्रोग्राम एंड पॉलिसीज हैं वो, और उसके बाद में हमारी रूरल सोशियोलॉजी, फिर प्रोग्राम प्लानिंग, और उसके बाद में ये कम्युनिकेशन और एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन. इसके बाद में और किस किस से क्वेश्चन आते हैं, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि मोस्टली हमारे इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं. पर सिलेबस में तो इनके इनसे रिलेटेड यानी कि बहुत कुछ दिया हुआ है. पर अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए कि सिलेबस अपने पेपर्स के अकॉर्डिंग यानी कि किस मेजर क्वेश्चंस आते हैं, तो जो अपने कम्युनिकेशन एंड दिस अडॉप्शन एंड डिफ्यूजन पोर्शन लाइक 3 to 4 क्वेश्चंस, या वन थिंग इज लेफ्ट, ऑडियो विजुअल एड्स, लाइक 2 to 3 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम कम्युनिकेशन एंड अडॉप्शन एंड डिफ्यूजन पोर्शन, एंड वन और मोस्टली 2 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, एंड 2 to 3 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम 1 to 2 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम ऑडियो विजुअल एड्स एंड फ्रॉम रूरल सोशियोलॉजी एंड प्रोग्राम प्लानिंग कंबाइंडली 1 to 2 क्वेश्चंस. एंड see here is important like these old schemes, program, policies, pre-independence program like infrastructure development program and agriculture development program, these programs questions, mostly questions 2 to 3 questions will be from these. अब देखिए कि अगर हम इन चीज को सबको कवर करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, पर हम क्या कर रहे हैं देखिए कि जैसे कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं एक्सटेंशन के अंदर. अगर हम बात करें यहाँ से स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक्सटेंशन किस टाइप की एजुकेशन है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ऐसे क्वेश्चन. फिर अगर हम बात करें टीचिंग प्रोसेस की तो कितने स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप कौन सा है, ये क्वेश्चन आते हैं.
फिर अगर हम स्कीम पॉलिसीज इनकी बात करें तो जैसे कोई स्कीम दे देते हैं कि प्रोग्राम दे देते हैं कि सेवाग्राम कब आया था, किसने दिया था, एंड देन अगर हम इसी के अंदर से IVLP कब आया था, ATIC क्या है, KVK कब आया था, किसने दिया था, फंक्शंस क्या है इनके, लाइक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल हमारे क्या आते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। पर अगर हमें इन चीज को हम अगर नहीं कवर करें तो बिल्कुल इजी थिंग्स लाइक बिल्कुल इजी थिंग होती है और हम उसको कवर नहीं कर पाते हैं, इनकी उसकी क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे अगर रूरल सोशियोलॉजी, स्पेशली अगर हम रूरल सोशियोलॉजी की बात करें तो इसमें से तो फिक्स है क्वेश्चन, लाइक बहुत बड़ी है ना रूरल सोशियोलॉजी, पर अपने सिलेबस में क्या आता है, या तो ये पूछें कि सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, या फिर इसका बेसिक यूनिट क्या है, सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या है, और फिर फैमिली क्या है, इनके टाइप्स क्या है, लाइक कौन सी गुनिस फैमिली और ये टाइप की फैमिली कौन सी है, और इसके साथ साथ ही कि कास्ट क्या है, कल्चर क्या है, टैबूज, फोक वेज, नॉर्म्स ये क्या है, लाइक इनकी क्या करते हैं, इसमें डेफिनेशन दे देते हैं और छोड़ देते हैं वो ब्लैंक, लाइक यहाँ पे जैसे कल्चर है तो कल्चर की डेफिनेशन दे देंगे और इज नॉन एज, फिर कल्चर, नॉर्म, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, यानी कि इसमें से इस टाइप की क्वेश्चन आते हैं। फिर प्रोग्राम प्लानिंग में से क्या आते हैं, जैसे इनके 8 स्टेप्स हैं जो प्रोग्राम प्लानिंग के, लाइक दीज ऑल 8 8 स्टेप्स मोस्टली क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दीज स्टेप्स, लाइक व्हाट इज द फर्स्ट, लाइक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, तो ऐसे बोल देते हैं कि एनालिसिस ऑफ सिचुएशन कौन सा स्टेप है प्रोग्राम प्लानिंग का, तो ये क्वेश्चन आते हैं। और जो कम्युनिकेशन और अडोप्शन एंड डिफ्यूजन है ना, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अडोप्शन डिफ्यूजन में अडोप्शन अडोप्टर कैटेगरी में से क्वेश्चन आते हैं, और प्रोसेस है जो एडॉप्शन की उसमें से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखिए कि एक चीज बोलती हूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको इंटरप्रेन्योर बोलते हैं, लाइक इंटरप्रेन्योरशिप और इंटरप्रेन्योर बोलते हैं, बट इट्स नॉट अ इंटरप्रेन्योर, इट्स एन एंटरप्रेन्योरशिप, सो वी शुड प्रोनाउंस इट करेक्टली, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स नॉट अ इंटर, इट्स एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप में से मोस्टली एक या दो क्वेश्चन आते हैं, एंड दीज क्वेश्चन आर लाइक एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डैश 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 टर्म, एंड आफ्टर दैट अ फ्यू क्वेश्चन लाइक, हाँ फ्यू क्वेश्चन विल बी फ्रॉम टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, लाइक ड्रॉन, फैबियन, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, एंड दिस, और काफी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, या रतन टाटा, जैसे बिड़ला रतन टाटा किस टाइप के एंटरप्रेन्योर हैं, लाइक इस टाइप की इजीली हम उनको कवर कर पाएंगे। और फिर लास्ट में हमारा क्या है, दिस इज ऑडियो विजुअल एड्स, देन इन ऑडियो विजुअल एड्स व्हाट इज ऑडियो ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स, लाइक प्रोजेक्टेड एड्स, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, उनके एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं कि कौन सा किस टाइप का है। तो देखिए इतना ही हमारा सिलेबस है, पर इसको हम क्या करेंगे, इसमें से 8 to 10 क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हैं। उसके साथ साथ पता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जो लेटेस्ट स्कीम होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, हमारी राजस्थान गवर्नमेंट की, अगर राजस्थान गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जैसे कि उज्ज्वला योजना है, या फिर जो भी लेटेस्ट जो स्कीम आ रही है अभी 2018, 19 और 20 के भी काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, एक्सटेंशन में इस टाइप का भी पूछ लेते हैं। तो थोड़ा सा अपडेट रहना इस चीज के बारे में कि अगर एक आधा क्वेश्चन आए भी तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो ये हमारा हुआ था, तो आज का जो अपना लेक्चर है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड दीज ऑल स्कीम्स अंडर दिस, लाइक दिस फर्स्ट टॉपिक वी विल कवर टुडे, दिस फर्स्ट अलोंग विद अवर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग प्रोसेस, स्टेप्स एंड स्कीम्स, पॉलिसीज, एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग इन दिस लेक्चर। सो विल स्टार्ट फ्रॉम अवर एक्सटेंशन एजुकेशन इंट्रोडक्शन।
आप क्या कर सकते हो कि नोट भी कर सकते हो इन चीजों को, तो एक बार मैं इनको रिपीट भी करूंगी। तो इसके साथ साथ जो हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं उनको मैंने क्या किया, टेबल में दिया है, जिसके जिससे कि आपका याद करना इजी हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट एक्सटेंशन एक्सटेंशन एंड एजुकेशन। सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली एक्सटेंशन, सी एक्सटेंशन इज एन लैटिन वर्ड, एक्सटेंशन इज एन लैटिन वर्ड, एक्स प्लस टेंसियो विच मीन्स स्ट्रेचिंग आउट, स्ट्रेचिंग आउट। एक्सटेंशन में इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स स्ट्रेचिंग आउट। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि एक्सटेंशन इज अ डैश 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 वर्ड, सो इट्स अ लैटिन वर्ड। तो एक्सटेंशन, अब देखिए कि व्हाट इज स्ट्रेचिंग आउट। सी इफ वी विल टॉक अबाउट इन द सेंस ऑफ एग्रीकल्चर, सी फर्स्ट इट्स अ लाइक हाउ वी विल स्ट्रेच आउट एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्ट्रेच आउट। तो देखिए कि स्ट्रेचिंग आउट इसमें हम क्या करते हैं कि एनी आइडिया और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस स्ट्रेच आउट क्या करते हैं, हम फैलाते हैं उसको, फैलाना। एक्सटेंशन मतलब होता है स्ट्रेच आउट का मतलब फैलाना। तो देखिए कुछ भी नई आइडिया है, कोई नई इंफॉर्मेशन है, कुछ कुछ अपनी प्रैक्टिसेस हैं जो हम क्या करते हैं कि फार्मर्स तक पहुंचाना होता है, जो उस चीज को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। अगर हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की। तो देखिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज अ सब्जेक्ट इन विच वी आर गोइंग टू ट्रांसफर अ टेक्नोलॉजी या आइडिया। सेम इफ वी विल टॉक अबाउट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज एन सब्जेक्ट इन विच वी आर गोइंग टू स्ट्रेच आउट, सी स्ट्रेच आउट द एनी आइडिया एन इंफॉर्मेशन और अ प्रैक्टिस फ्रॉम लैब टू फार्मर्स फार्मर फील्ड। देखिए कि एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि जो भी यहाँ पे लैब में, यानी कि जो भी अपने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई प्लांट ब्रीडर है, कोई वैरायटी रिलीज की है, चाहे वो एग्रोनॉमिस्ट है जिसने पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस दी है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस दी है, चाहे वो एंटमोलॉजिस्ट है जिसने कुछ पेस्ट मैनेजमेंट दिया है, वो चीजें अगर ये चीजें अगर अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट मकसद क्या होता है हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स ऑफ अवर अल्टीमेट अडॉप्टर, लाइक अल्टीमेट फार्मर तक अगर वो चीज पहुंचेगी तो उससे क्या होगा, उसकी प्रॉब्लम्स कम होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इट इज गोइंग टू हाइक ओवर नेशनल प्रोडक्शन और नेशनल जीडीपी, ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल जीडीपी। तो देखिए अपना काम फार्मर्स, इनका काम क्या है, फार्मर्स के लिए एक इफेक्टिव पैकेज प्रैक्टिसेस बनाना, इफेक्टिव वैरायटी रिलीज करना इससे। पर अगर ये चीज़ अगर हम देखिए कि अगर ये यहाँ तक ही रहे, अगर फार्मर्स तक ये चीज़ नहीं पहुँचे, तो ये चीज़ करने का कोई फायदा नहीं है। सो हियर द ब्रिज बिटवीन अ साइंटिस्ट ग्रुप एंड फार्मर इज एक्सटेंशन, क्योंकि एक्सटेंशन सब्जेक्ट को, एक्सटेंशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर फार्मर्स को, लाइक जो फार्मर्स हैं उनको और जो साइंटिस्ट है एग्रीकल्चर के, उनको उनको जोड़ने का, यानी कि इट इज अ वर्किंग एज अ ब्रिज बिटवीन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड और अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज और फार्मर। लाइक इफ वी कैन से एक्सटेंशन इज अ बैकबोन ऑफ अवर एग्रीकल्चर सिस्टम,
एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सिस्टम, एग्रीकल्चर साइंस सिस्टम, अगर एक्सटेंशन अगर यहाँ नहीं है तो इन चीजों का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अगर ये चीजें अल्टीमेटली फार्मर्स तक नहीं पहुंच पा रही है, जरूरी नहीं है कि ठीक है, काफी क्या होता है कि अगर हम बात करें, काफी हर एक यूनिवर्सिटी का तीन काम होते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें हर एक यूनिवर्सिटी, अगर कोई भी SAUs हैं या फिर ICAR की कोई इंस्टीट्यूट है, उनके मोस्टली यूनिवर्सिटीज के तीन काम होते हैं। एक एक्सटेंशन, सबसे पहले क्या होता है, रिसर्च, रिसर्च करना, एजुकेशन, और जो ये रिसर्च है उनका एक्सटेंशन। अगर रिसर्च के बाद एक्सटेंशन नहीं है, देन नथिंग इज यूजफुल इन दिस रिसर्च। अगर रिसर्च को हम अगर रखने, अगर नॉलेज का, इट्स नॉलेज, अगर नॉलेज को हम रख रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो जिनके लिए वो चीज बनी है उन तक पहुंचेगी तब भी वो अल्टीमेटली दैट विल बी यूजफुल। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक्सटेंशन इज अ ब्रिज, और एक्सटेंशन, वी कैन से एक्सटेंशन इज अ बैकबोन ऑफ अवर एग्रीकल्चर सिस्टम। तो ये हमारा क्लियर हुआ कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये तो थोड़ा मैंने बताने के लिए बोला था, बट क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दिस ओनली, ठीक है। और अभी हम बात करें अगर एजुकेशन की, तो एजुकेशन क्या है, ये हुआ एक्सटेंशन। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन मीन्स अ डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन, ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड एजुकेशन। बट वट इज डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, बिहेवियर इन द सेंस इन स्किल, इन एटीट्यूड एंड इन नॉलेज। चेंज इन नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल, क्या बोलते हैं उसको हम, एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन का मतलब ही क्या होता है कि ब्रिंगिंग टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर इन द सेंस इन ह्यूमन नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फार्मर है, उसको हमने एजुकेट किया है किसके बारे में, जैसे कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में, तो नॉलेज उसकी क्या बढ़ेगी कि ठीक है ये न्यूट्रिएंट है, इनकी डेफिशिएंसी, ऐसे ऐसे डेफिशिएंसी होती है। तो और एटीट्यूड कैसे चेंज होगा कि फार्मर्स अगर पहले थोड़ा ऑर्थोडॉक्स काइंड था, यानी कि थोड़ा रूढ़िवादी सोच का था, अगर उसको बिलीव नहीं था कि ठीक है मिट्टी है तो सोइल में कहाँ से न्यूट्रिएंट होंगे, इसमें तो अपने आप होता है ना ये सिस्टम, तो ऐसे सोचता है, तो एटीट्यूड विल बी चेंज, ही विल बी थिंकिंग एज ए साइंटिफिक फार्मर। एंड इन स्किल, स्किल यानी कि वो प्रैक्टिस करने लगेगा, खुद अपने हाथों से काम करेगा, उसको मैनेजमेंट में करेगा। तो नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल इज अ मेजर फंक्शन ऑफ आवर एजुकेशन। तो हमने बात किया कि व्हाट इज एक्सटेंशन एंड व्हाट इज एजुकेशन। तो अब क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, एक तो यहाँ से हो गया, और इसके बाद में क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्सटेंशन इज डिराइव्ड फ्रॉम, सबसे पहले यानी कि सबसे पहले एक्सटेंशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक्सटेंशन इज डिराइव्ड फ्रॉम, एक्सटेंशन आप नोट कर सकते हो इन इन क्वेश्चंस को, जो मैं स्टार्स लगा रही हूँ वो सब, यानी कि जिन पे स्टार है वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में है, जो जहाँ जहाँ स्टार होंगे मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। एक्सटेंशन इज डेराइव्ड, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इंग्लैंड से 1866 में, सबसे पहले स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड में एक्सटेंशन। अब क्वेश्चन बनता है कि हु इज फादर ऑफ एक्सटेंशन। सो जेपी लीगेंस, जेपी लीगेंस इज अ फादर ऑफ एक्सटेंशन। और देन हु इज अ फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया, इन इंडिया के एन सिंह। एंड थर्ड वन, लाइक फोर्थ वन, हु इज अ फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। सी, पेपर
पिछले क्वेश्चंस में लाइक पिछले पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हु इज द फादर, पर ये दो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता ही देती हूँ क्योंकि क्या पता कि कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि फादर ऑफ इंडियन एक्सटेंशन एंड यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, जेम्स स्टुअर्ट, जेम्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन का। इसके बाद में देखिए कि अपने जो इंडिया में जो सोसाइटी है या फिर डिपार्टमेंट्स एक्सटेंशन रिलेटेड वो क्या है कि सबसे पहले 1964 में क्या हुआ था, इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इस्टेब्लिश हुई थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। और इसके बाद में 1966 में डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन स्टैब्लिश हुआ था। ये थोड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको नोट कर लेना आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ पे ये दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पिछले पेपर्स के अकॉर्डिंग, और ये क्वेश्चन लेटिन वर्ड है तो हमने ये कवर किया है। और इसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात इसको कंप्लीट हुआ, हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन क्या है, तीन टाइप की होती है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब देखिए ये क्या है, इनमें से भी काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन इन दैट अ फिक्स्ड करिकुलम विल बी देयर एंड फिक्स्ड शेड्यूल एंड वी हैव टू वर्क इन डिसाइडेड थिंग्स एंड समवन विल बी ऑब्जर्विंग अस। अगर हम इजीली बताऊं तो यानी कि जो स्कूल कॉलेज का सिस्टम है हमारा वो एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि हमें उतने बजे स्कूल जाना है, उतने बजे क्लासेस, एग्जाम होंगे, मिड टर्म होंगे, फिर कॉलेज यानी कि जो कॉलेज का सिस्टम है, सिलेबस होगा, उस सिलेबस को कवर करना होगा, यानी कि फिक्स्ड करिकुलम होगा, फिक्स्ड टाइम शेड्यूल होगा, एंड लाइक समवन विल बी ऑब्जर्विंग एंड इवेल्युएटिंग और परफॉर्मेंस विद और एग्जाम्स एंड मिड टर्म्स। ये हुआ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। और जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो क्या है कि हम जब इट्स लाइक जब हम जीवन को यानी कि जिंदगी को जीते जीते यानी कि हम उम्र के साथ साथ जब हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं, जैसे छोटा बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटा बच्चा है तो उसको ये नहीं पता है कि आग आग क्या है, जब एक्सपीरियंस जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके साथ साथ यानी कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग इनफॉर्मल इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, पूरी जिंदगी भर चलती है लाइफ लॉन्ग, हमेशा हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इज ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन आउटसाइड द दिस फोर वॉल्स ऑफ अवर स्कूल्स और सिस्टम लाइक एजुकेशन सिस्टम, यानी कि ये क्या होगा, इसके अंदर भी क्या होगी, हम एजुकेशन होगी बट उसका फिक्स नहीं होगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा, द करिकुलम विल बी फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ और नीड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ रिस्पोंडेंट्स। तो यहाँ इसका इस ये क्या है, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो एक्सटेंशन एजुकेशन का एक्सटेंशन एजुकेशन इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि एक्सटेंशन इज व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन, सो एक्सटेंशन इज ए नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसके अंदर हम फार्मर्स की या फिर जो रूरल यूथ है उनकी या रूरल वुमेन्स हैं उनकी कुछ एक्यूरेट पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करने के लिए हम उनको एजुकेट करते हैं, हम उनके स्किल डेवलप करते हैं, तो वो क्या हो रही है यहाँ पे हमारी, उसका करिकुलम फिक्स नहीं है, इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड द नीड ऑफ अवर रिस्पोंडेंट। तो ये हुआ नॉन फॉर्मल एजुकेशन।
इसके बाद में हम बात करते हैं कि हाँ, हमने यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात किया है, इसके बारे में अभी। हाँ, तो ये हुआ हमारा नॉन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब बात कर रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कि एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। सो विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले देखिए कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है। इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ एंड्स टुवार्ड विच और एफर्ट्स आर डायरेक्टेड, एक्सप्रेशन ऑफ एंड्स टुवार्ड एक्सप्रेशन ऑफ एंड टुवार्ड और एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। सी, ये हमारा कोई एंड या एंड टारगेट है, उसको हम पाने के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं, लाइक एंड टुवार्ड ऑफ और एफर्ट्स आर डायरेक्टेड, यानी कि जो हमारे एफर्ट्स है उस चीज को पाने के लिए हम जो चीज कर रहे हैं उसको बोलते हैं उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव। तो जो एक्सटेंशन है उसके अंदर हम बात करें, तो अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मोस्टली क्या होता है, तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं, तीन टाइप के ऑब्जेक्टिव। तीन, फर्स्ट इज फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव इज ऑल इंक्लूसिव ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सोसाइटी। सी, सब जिसको बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुड लाइफ स्टैंडर्ड, पीसफुल और इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट, यानी कि जो ब्रो टर्म में अगर बात करें, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है इनकी, रोटी कपड़ा मकान जिसको हम बोलते हैं उसको क्या बोल सकते हैं हम, फंडामेंटल या फिर आधारभूत हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये होते हैं। और अगर हम बात करें स्पेसिफिक, सॉरी, सेकेंड वन इज जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव इज ए क्वाइट डिफाइंड सोशल, लाइक सोशली इट्स डिफाइंड, यानी कि हम क्या करने, अगर इसको हम गुड लाइफ चाहिए हमें तो हमें क्या करना होगा, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि हमें एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, फार्म यानी कि हमारे लोग एजुकेटेड होने चाहिए, एम्प्लॉयड होने चाहिए, पैसा होगा, शिक्षित होंगे तो अपने आप उनकी लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा। एंड देन थर्ड वन इज स्पेसिफिक, इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग ऑब्जेक्टिव। वर्किंग ऑब्जेक्टिव, अब वर्किंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखिए, हमने ये बोल दिया कि हमें अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड चाहिए, इसके लिए हमें एम्प्लॉयमेंट देंगे। अब वर्किंग ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मनरेगा है, अब क्या करें, एम्प्लॉयमेंट कैसे एम्प्लॉयमेंट दे, एजुकेट कैसे करें, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, यानी कि ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं दैट इज स्पेसिफिक और वर्किंग ऑब्जेक्टिव। एक्सटेंशन वर्कर इज अ वर्किंग इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, वर्क ऑफ एक्सटेंशन एजेंट्स, लाइक इट कैन बी द क्वेश्चन इन अवर एग्जाम, लाइक ऑन विच लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव और एक्सटेंशन एजेंट्स आर वर्किंग, सो द आंसर इज स्पेसिफिक और वर्किंग ऑब्जेक्टिव लेवल। सो दीज आर ओवर टाइप्स ऑफ वट इज ऑब्जेक्टिव एंड देन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओवर स्टेप्स। After that, we will be talking about process of After that, we will be talking about extension education process, यानी कि
जब हम एक्सटेंशन एजुकेशन जो एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसके अंदर जब हम एजुकेट करते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, हम क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? सो यू कैन रिमेम्बर दिस विद शूटर, इट्स फाइव एलिमेंट इन दिस प्रोसेस, और वी कैन से फाइव स्टेप्स इन दिस प्रोसेस. सो फर्स्ट वन इज सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवेल्युएशन, रिकंसिडरेशन एंड देन अगेन सिचुएशन. सेम इन दिस फर्स्ट वन इज सिचुएशन, लाइक व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन, वी विल एनालाइज द प्रेजेंट सिचुएशन, लाइक व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन. आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस प्रोसेस विद द एग्जाम्पल ऑफ अ विलेज. सी इफ अ विलेज, इन दैट विलेज द प्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ, वी कैन से प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज वेरी हाई, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट क्रॉप और एनी क्रॉप. आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस प्रोसेस विद एग्जाम्पल. सी इन अ विलेज, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ विलेज. इन अ विलेज एग्रीकल्चर अडोप्शन रेट, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अडोप्शन रेट इज अ वेरी लो. सो फर्स्ट वी एनालाइज द सिचुएशन, वी एनालाइज दैट अडोप्शन रेट इज वेरी लो एंड वी विल सेट अवर ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट वी एनालाइज लाइक अडोप्शन रेट इज वेरी लो एंड देन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द रेट ऑफ अडोप्शन, लाइक टू सेट ऑब्जेक्टिव. ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन वी विल सेट ऑब्जेक्टिव. हियर व्हाट वी विल सेट अवर ऑब्जेक्टिव, टू इंक्रीज द रेट ऑफ अडोप्शन. एंड देन टीचिंग, लाइक हाउ वी विल इंक्रीज द रेट ऑफ अडोप्शन ऑफ इन फार्मर्स, वी विल एजुकेट देम, वी विल मेक देम अवेयर. सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू टीच, व्हाट टू टीच, टीचिंग लाइक व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच. लाइक व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच मीन्स हाउ मीन्स विच मेथड वी आर गोइंग टू यूज टू मेक देम अवेयर अबाउट अडोप्शन ऑफ, लाइक द प्रेजेंस ऑफ एनी टेक्नोलॉजी. सो हियर व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, हियर व्हाट इज द रिजल्ट, देन वी विल इवेल्युएट व्हाट इज द रिजल्ट, इज इट फुलफिलिंग अवर ऑब्जेक्टिव और नॉट. इफ इट इज नॉट, इफ इट्स नॉट फुलफिलिंग देन इन रिकंसिडरेशन स्टेज वी विल रीअरेंज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्टिव. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन अवर. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन. तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन किस टाइप से आ जाते हैं, कि ऐसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस. सो सिचुएशन, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन और व्हाट इज द सिचुएशन, दिस इज सिचुएशन. एंड देन सेकेंड स्टेप ऑब्जेक्टिव, थर्ड टीचिंग, फोर्थ इवेल्युएशन एंड फिफ्थ रिकंसिडरेशन. दीज आर द फाइव स्टेप प्रोसेस. एंड सी या आई फॉरगेट वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर, लाइक हु गेव दिस प्रोसेस, द फादर ऑफ एक्सटेंशन, जेपी लीगन्स. दिस प्रोसेस इज गिवन बाय जेपी लीगन्स. दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर. सो वी आर कंप्लीटिंग हियर दिस वन.
सो आफ्टर दिस आई हैव सीन वन क्वेश्चन फ्रॉम कोन ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन अ मिनट. When I was analyzing the BHU paper, then I have seen one to two questions from cone of experience also. Like this cone of experience is not given in our syllabus, but few questions came from this table, so I thought I'll be covering in our lecture. Cone of experience. So what is cone of experience? कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है कि यानी कि हम जब कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, यानी हम जो कुछ जब कुछ चीज़ करते हैं, तो किस टाइप से हम उस चीज़ को रिमेम्बर करते हैं, किस टाइप से हम वो हमें याद रहती है. दिस इज गिवन बाय एडगर एंड डेल. सो इन दिस कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम the percent of our like what percent we are able to understand. Like see, I'll be explaining percent of remember from if we are reading something, if we are reading something, then what percent of that thing we are able to remember for a long time. So in reading only 10%, in hearing only 20%, in seeing, if we are seeing something, then we can remember 30%. If we are hearing and seeing, for example, see, if we are reading a newspaper, then we will remember only 10%. These are few examples. If we are hearing, see, if we are hearing a news on radio, then we will remembering only 20% of that particular news. And if we are only seeing, like we are seeing a poster or we are seeing an image of something, some written information, then we will be remembering only 30%. Or if we are watching on a TV screen, see, if simultaneously we are listening also, we are hearing also. So here we will be able to remember 50% of that information. And last one, so second last one is say, if we will say that particular news, see, if I know something, then I'll say that particular information to someone else. So for me, it's a kind of recall of that thing. So I'll be able to understand, or I'll be able to remember 70% of that particular information. And say and do, I'll be able to remember 90%. This is important for our exam. Many times questions will be from say or hearing and say. See, here I'll be explaining with an example. If we will talk about in agriculture science, so FIR method. See, FIR method, like I'll be telling someone like do first like fertilize this fungicide and please apply insecticide, and after that rhizobium culture. If I'll be telling that process to anyone and that person is doing, so this is I'll be remembering that 70%. And if at same time I'm performing a method demonstration, and like I'm and same time if I'm performing the method demonstration and saying that particular steps and doing on my own hands, then I'll be able to remember 90% of that particular thing. So these are important. Here, this is important for us.